एक और बड़ी खबर, चुनाव के बीच में पैरोल पर छूटे बाहुबली अनंत सिंह। बेऊर जेल से 15 दिनों की पैरोल पर अनंत सिंह बाहर निकले हैं और जब वो बाहर निकले तो समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। जमीन बंटवारे के लिए बिहार सरकार ने पैरोल दी है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार के मकोमा विधानसभा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर निकले। बिहार सरकार ने उन्हें पैरोल दी है। बेऊर जेल से निकले अनंत सिंह का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश हुई। वैसे तो अनंत सिंह को ये पैरोल जमीन बंटवारे के लिए दी गई है, लेकिन उनके जेल से रिहा होते ही मुंगेर संसदीय सीट पर होने वाले चुनाव का माहौल और ज्यादा गर्मा गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अनंत सिंह न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि मुंगेर लोकसभा सीट पर भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनकी रिहाई से नीतीश के करीबी ललन सिंह को राहत मिलेगी, तो वही लालू के करीबी अशोक महतो के लिए राह जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जब अनंत सिंह निकले थे जेल से, देखिए कैसे समर्थक वहां पर पहुंचे थे ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत करने के लिए। पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो उसके बाद निशाने पर भी यहाँ पर लेती हुई पार्टियां विपक्षी जो है वो नजर आ रही है। जाम लग गया था साहब यहाँ पर रोड पर, इस तरह की स्थिति वहां पर बन गई थी जब अनंत सिंह जो है वो चुनाव के बीचों बीच में बाहुबली अनंत सिंह जो है वो 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में ये समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और पावर शो जो है बाकायदा वहां पर देखने को मिला। जमीन बंटवारे के लिए बताया गया बिहार सरकार की ओर से ये पैरोल जो है वो उनको दी गई और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब वो बाहर आए थे। ये चार तस्वीरें इसी बीच में आपको दिखा देते हैं। पैरोल पर जब अनंत सिंह बाहर आए थे तो उस दौरान की ये तस्वीरें यहाँ पर हैं। स्वागत में ढोल नगाड़े बजाते हुए उनके समर्थक नजर आ रहे थे और नाच गाना इस वक्त हो रहा था। फूलों की माला उनको पहनाई गई और उनका स्वागत यहाँ पर किया गया और जेल से निकलने के बाद सड़कों पर किस तरह के हालात थे वो आप इस चौथी तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं।